हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेक्रेट हार्ट्स ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। दिस इज़ योर कंप्यूटर टीचर हिमानी मेसी एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन टू HTML। इन आवर टुडेज़ क्लास वी विल लर्न अबाउट द कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS इज अ स्टाइल शीट दैट प्रोवाइड्स द सेट ऑफ स्टाइल्स रूल्स फॉर डिफाइनिंग द लेआउट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। Using CSS, you can control the color of the text, the style of the font, the spacing between paragraphs, size and layout of columns, background images, as well as a variety of other effects. Style sheets are designed to separate the presentation style of documents from the content of the document. This makes site maintenance much easier and provides more flexibility. CSS is a type of शीट स्टाइल। ये आपको कई तरह के स्टाइल्स प्रोवाइड करता है जो कि हम HTML डॉक्यूमेंट्स को के लेआउट के लिए डिफाइन करते हैं। CSS एक ऐसा स्टाइल होता है जिसमें आप अपने टेक्स्ट के लिए कलर, उसका स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, स्पेसिंग ऑफ द पैराग्राफ, साइज ऑफ द फॉन्ट या लेआउट ऑफ द कॉलम, बैकग्राउंड इमेजेस, बहुत सारी चीज़ों के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको आप कंट्रोल करते हैं। जो स्टाइल शीट्स जो CSS डिज़ाइंस हम यूज़ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे जो वेब पेजेस हम डिज़ाइन करते हैं उसमें जो हम प्रेजेंटेशन होता है उसके स्टाइल्स को एनहेंस करने के लिए। ये आपके सेपरेट कर देते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट है, जो उसके कंटेंट्स हैं, जो उसके हेडिंग है, उन सब चीज़ों को अलग अलग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारे जो मेंटेनेंस होती है किसी भी साइट के, किसी वेब पेज की जो मेंटेनेंस होती है वो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाती है। द कॉन्क्रीट बेनिफिट्स ऑफ द CSS इंक्लूड्स, सो क्या बेनिफिट्स होते हैं? फर्स्ट, कंट्रोल लेआउट ऑफ मैनी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन सिंगल स्टाइल शीट। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जो पूरा डॉक्यूमेंट का लेआउट होता है वो सिंगल स्टाइल शीट में, हम सिंगल शीट में हम इसका स्टाइल सेट करके वहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन सेकंड, मोर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ लेआउट। लेआउट का हम प्रॉपर कंक्रीट हम एक लेआउट सेट कर पाते हैं, यहाँ पे हम उसमें प्रिसाइज वैल्यूज होती है वो सेट कर देते हैं। देन अप्लाई डिफरेंट लेआउट टू डिफरेंट मीडिया टाइप्स। हम किस तरह का मीडिया टाइप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो होता है वो लेआउट को यूज़ कर सकते हैं। हम अलग टाइप के मीडिया टाइप जैसे इमेजेस हैं या वीडियो है या साउंड है, उसके लिए अलग तरह का हम लेआउट यूज़ कर सकते हैं। मोर एडवांस ऑप्शंस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, इसमें हम ज़्यादा एडवांस ऑप्शंस को यूज़ करते हैं और जो हमारी टेक्निक्स होती हैं वो भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। Now let's understand the CSS terminology. So first term is property. It defines how different elements look on the web page. Font, family, color, background, border, all are examples of properties. A property appears before the colon in any line of CSS. Now इसकी फर्स्ट जो टर्म यूज़ हम करते हैं दैट इज़ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हम किसी भी एलिमेंट या किसी भी टैग जिसको हम वेब पेज पे यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के संग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। फॉर एन एग्जांपल, फॉन्ट इज़ अ वन टाइप ऑफ एलिमेंट। और इसके संग हम क्या क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट कलर, फॉन्ट बैकग्राउंड एंड द बॉर्डर, राइट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ हम सेट करते हैं। और जो प्रॉपर्टी अपेयर होती है वो कोलन के पहले यूज शो होती है। द नेक्स्ट इज़ वैल्यू। अ वैल्यू इज़ व्हाट अपेयर्स इमीडिएटली आफ्टर द कोलन इन एनी लाइन ऑफ CSS। इट इज़ द ऑप्शन चूजन फॉर अ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, वैल्यू फॉर द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी कैन बी द फॉन्ट नेम्स लाइक मोनोटाइप, कर्सिवा, टाइम्स, एरियल एक्सेट्रा। नाउ वैल्यू वो होती है जो हम जस्ट आफ्टर, जो हमारी प्रॉपर्टी यूज़ होती है उसके कोलन के जस्ट आफ्टर हम उसको यूज़ करते हैं। कोलन के जस्ट पहले प्रॉपर्टी आती है, कोलन के जस्ट आफ्टर वैल्यू आती है। ये वैल्यू जो होती है ये हमारा जो भी हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं उसकी वो एट्रीब्यूट को शो करता है कि हमने उसको क्या वैल्यू असाइन की है। लाइक अगर हम कोई फॉन्ट यूज़ करें तो उसका फॉन्ट फैमिली जो होता है वो एरियल या टाइम्स न्यू रोमन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज़ डिक्लेरेशन।
A property and its value collectively are known as declaration. A declaration is generally any single line of CSS that appears between the curly braces. Now, जो declaration होता है, जो property और उसकी जो value होती है, इन दोनों को मिला के हम declaration बोलते हैं. तो ये जो declaration होता है, ये हमेशा curly braces के under में save होता है. जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या दिखा? Body, then curly braces started, then font, family, Arial and sans serif. हमने दो यहाँ पे फॉन्ट जो फैमिलीज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, वो हमने यहाँ पे अप्लाई की हैं. ओके, सो ये लाइन क्या हो गई? ये लाइन डिक्लेरेशन हो गई है. क्यों? क्योंकि ये बॉडी की हम जो फॉन्ट है उसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है. देन नेक्स्ट इज़ द सिलेक्टर. अ सिलेक्टर इज़ द पार्ट ऑफ द सी एस एस लाइन दैट सिलेक्ट्स वॉट एलिमेंट टू टारगेट विद द प्रॉपर्टी और द वैल्यू पेयर. नाउ सिलेक्टर हमारे वो एलिमेंट होता है जो कि टारगेट करता है कि हमें क्या प्रॉपर्टी या क्या वैल्यू का क्या पेयर जाना है. फॉर एन एग्जांपल, इफ वी वांट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द एचआर एलिमेंट, अगर हम हॉरिजॉन्टल रूलर का जो एलिमेंट है उसको चेंज करना चाहते हैं कि हम उसकी विड्थ को लेट्स से कि 50% करना चाहते हैं, देन वी शुड यूज़ एचआर एज अ सिलेक्टर. तो एचआर को हम क्या करेंगे? हम उसे यूज़ करेंगे जब हम उसे उसको एज अ सिलेक्टर हम उसको यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट इज़ द रूल फॉर दिस? सिलेक्टर एंड द डिक्लेरेशन कलेक्टिवली आर नोन एज रूल. अब यहाँ पे जब सिलेक्टर और डिक्लेरेशन दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा रूल करता है. जैसे हमने क्या यूज़ करा? हमने H1 यूज़ करा, ये क्या आ गया? हमारा हेडिंग आ गई. तो ये हमारा सिलेक्टर है जो हमने टैग यूज़ करा. देन उसके बाद हमने क्या स्टार्ट करा? हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करा. कलर हमने क्या करा? ब्लू करा. नाउ कलर इज़ द प्रॉपर्टी, ब्लू इज़ द वैल्यू. ये दोनों मिला के क्या आ गए? डिक्लेरेशन हो गया. उसके बाद हमने क्या लिया? फॉन्ट साइज़ लिया. फॉन्ट साइज़ क्या हो गया? हमारा प्रॉपर्टी हो गई. और उसकी कितनी वैल्यू दी हमने? 20 पिक्सल्स दी. ये दोनों मिला के डिक्लेरेशन. मतलब कि एक डिक्लेरेशन के अंदर हमारे पास कितनी? दो चीज़ें हैं. तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे दो डिक्लेरेशन है. तो कितने हैं हुए? जो एक रूल के अंदर हमारे यहाँ पे दो डिक्लेरेशन है और एक सिलेक्टर है. दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आर नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय.